श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पुरब के मद्देनज़र श्री अमृतसर साहब के भारी इकट्ठ लंघे कल तो ही शुरू हो गया। संगत उ हुम हमा के पहुंचिया, उन्होंने संगत पंथक आगू भी शामिल सन। गल करिए सबका अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की, तो वह भी उत्थे मौजूद सन। ज्ञानी हरप्रीत सिंह इस वेल दमदमा साहब के मौजूदा जथेदार ने, पर सबका अकाल तख्त साहब के जथेदार ने उत्थे मौजूद होंगे ने। उन्होंने वालों तिखे निशाने साधे जाते हैं लंघियां ते मौजूदा सरकार उत्ते। लंघियां सरकारां नूं भी निशाना बनाया गया और मौजूदा सरकार नूं भी कहा कि पंजाब ते हरियाणे दे विच गुरद्वारा साहब दे अंदर, वख-वख गुरद्वारा साहब दे अंदर बेअदबी दीआं अणगिणत वारदातां वापर चुकीआं ने, पर अजे तक किसी भी मौजूदा या फिर पुरानी सरकार ने इस उत्ते कोई ठोस कदम नहीं चुकिआ। सारीआं सरकारां नूं इक्को फाहे टंगिआ ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने, कहा कि हुण तक इन्नीआं वारदातां वापर गईआं ने पर हर किसी नूं मानसिक रोगी कह के, पागल कह के ते छड़ दिता जांदा है। जाहिर तौर पर इदा ही नज़र आता है पंजाब दे विच भी जिन्नियां वारदातां होईयां उहदे विच इस वार इस किस्म की वारदात करन वाले नूं मानसिक रोगी करार दे दिता जांदा है कि फलाना बंदा जिहड़ा बेअदबी करके आया वह मानसिक रोगी है, इस करके उसके उत्ते कानूनी कार्रवाई भी उस हिसाब नाल ही होवे। इस दे वास्ते वड्डा सवाल चुकदे नज़र आए ज्ञानी हरप्रीत सिंह। उन्होंने अमृतसर पहुँच के उत्थे भाषण दिता, पत्रकारां नाल गलबात की और उस वेले सरकारां नूं इक्को फाहे टंगिया। उन्होंने कहा कि भावें पंजाब की होवे भावें हरियाणे की, दोवें सरकारां ने अज तक कोई भी कदम नहीं चुकिया, भावें वह पंजाब की हुण तक दीआं सरकारां होण या फिर हरियाणे दीआं। उन्होंने सीधे तौर पर निशाने साधे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेअदबी दीआं घटनावां ना ठल्लण दा नाम लै रहीआं ने, ना ही इन्हां दे खिलाफ़ किसी तौर की कोई कार्रवाई पुख्ता रूप दे विच देखण नूं मिली है। जो कुछ भी माड़ा मोटा होया वह संगतां वल्लों ही कीता गया, सरकार दा उन्हां दा सीधा दावा कि कुछ नहीं कीता गया। इस पूरे मामले नूं लैके तिखे निशाने साधदे नज़र आए ज्ञानी हरप्रीत सिंह। उन्होंने आखिरकार इस पूरे मामले बारे होर की कुछ बोलिया, आओ तुहानूं सुणाउंदे हां। बेअदबियां बहुत हो रही, पंजाब के बेअदबियां के जोड़े मामले वो वे नज़र आ रहे, इन्हों कि कंट्रोल किया, सिखा बदनाम किया जा रहा जी? देखो बेअदबियां जड़ियाँ है, मैं समझना कि ये गहरी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है, क्योंकि पहली गल कि वड्डी गिनती दे विच ये बेअदबियां जिहड़ियां ने ओह पंजाब दी धरती ते हो रही ने, जां थोड़ियां हरियाणे दी धरती ते हो रही ने। सरकारां जिहड़ियां ने ओह बेअदबियां नूं रोकण दे विच बिल्कुल असफल रही ने, चाहे कोई भी होण, चाहे मौजूदा सरकार होवे जां पिछलियां सरकारां होण। पर सानूं शक है कि इहदे पिछे बहुत वड्डी गहरी साजिश जिहड़ी है ओह कम करदी नज़र आउंदी है, तां कि क्योंकि सिख फलसफा जिहड़ा दुनिया दा बेहतरीन फलसफा है और अमन पसंद फलसफा है, शांति और सर्बसांझीवालता की भाईचारे की गल करता है, तो जिहड़ियां चीज़ां धिरां नूं मंजूर नहीं है, सर्बसांझीवालता भाईचारा सद्भावना, तो वो इस फलसफे नूं जिहड़ा है वो सोचदियां ने कमज़ोर करन दे लई, जां सिख मनां दे विच्चों गुरु ग्रंथ साहिब जी दा आदर सत्कार घटाउण दे लई इस तरह दीआं जिहड़ियां चालां चल के कामयाब हो सकणगियां, पर अजिहा होणा नहीं है, तो ये बड़ी बड़ी गहरी साजिश का हिस्सा है। सिंह साहब जो बेअदबी कोई भी नौजवान करता जो कोई भी करता जो पुलिस को फड़ाया जाता क्या दिमागी सुन रहे हैं? मैं पहले कहा कि यह सारा कुछ वर्तारा जो वर्त रहा है ना कि पागल है, तो पागल अपना घर नहीं ढा दिंदा, अपनी माता नूं नुकसान नहीं पहुँचाता, अपने पिता नूं अपनी भैन भरा नूं नुकसान नहीं पहुँचाता, वह गुरुद्वारे क्यों आउंदा है? गुरुद्वारा साहब दे विच आके गुरु ग्रंथ साहब जी पातशाह नूं जिहड़ा है उहदे सन्मान नूं ढा लाउण दा यतन क्यों करता है? इसलिए असीं कहिंदे हां कि इहदे पिछे वड्डियां गहरियां साजिशां ने और वड्डियां ताकतां कम करदियां। देखो ये बारे मैं कुछ नहीं कहना, चोणा है हर एक वोट का अधिकार है, की हुंदा की नहीं हुंदा ये भविख्य के गर्भ च है जी। देखो किंतु परंतु मैं बहुत बार कहा है आलोचना करनी जी है वो ठीक है, आलोचना जी है वो सुधार करती है, दुरुस्ती लियाउंदी है, पर झूठियां गल्लां फैलाउणियां, अफवाहां फैलाउणियां, बेवजह जिहड़ा झूठा प्रचार करके संस्थावां दे अक्स नूं ढा लाउणी, इह ते होर भद्दी शब्दावली वरतणी, इह बहुत माड़ी गल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां ने हर सिख नूं इह वोटां दे विच भाग लैणा चाहीदा है, जिथे असीं हर सिख की वोट बनाउणी है उत्थे कोई गलत वोट ना बने, इहदा वी ध्यान रखणा। Subscribe to One India channel and never miss an update.